हेलो दोस्तों, मेरा नाम बोबिसन रभा और मैं आज रियलमी मोबाइल की फैक्ट्री दिखाने वाला हूँ और रियलमी मोबाइल किस तरह से बनाया जाता है वो सारी जानकारी इसी वीडियो के द्वारा मैं दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और आज के वीडियो में शुरू करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये फोन कैसे बनता है। तो मैं गया था शेंजन चाइना के अंदर और मैंने वहां पर पूरी फैक्ट्री टूर किया हो और इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि रियलमी का फोन फैक्ट्री में कैसे बनता है, कैसे उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है, क्या कुछ होता है, वो सारी जानकारी मैं आप लोग को यहां पर इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूं। तो चलते हैं यहां पर सीधे शेंजन और आप लोग को वहां पर रियलमी की पूरी फैक्ट्री टूर दे देते हैं। तो यहां पर दोस्तों फैक्ट्री के लिए निकल पड़े थे और बहुत ही ज्यादा दूर था, मतलब सिटी से काफी बाहर था। एक से डेढ़ घंटा मुझे सिटी से लग गया था इस फैक्ट्री में आने के लिए और फाइनली हम जैसे जैसे फैक्ट्री में एंटर कर लिए। ये है फैक्ट्री के बाहर का हिस्सा और मैं भी होशियारी करके ब्लेजर मस्त पैंट एकदम ब्लैक वाली पहन के निकल गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थोड़ी देर में मुझे इसकी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हाँ, ये मशीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पैर डालते ही आपके जूतों पर ये प्लास्टिक चढ़ जाता है क्योंकि अंदर कुछ कचरा ना हो इसलिए। ये देखेंगे क्या मस्त है ना, मज़ा आ गया। और जैसे मैंने कहा था मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने ब्लेज़र की और इसके ऊपर ये मैंने जैकेट लगा दिया। और हाँ, फाइनली सबसे बड़ी कुर्बानी वो अपने बालों को उसके ऊपर टोपी लगा के कुर्बान करना। जी हाँ। और हाँ, लगे तो मीटिंग भी चल रही थी कि भाई अंदर जाओगे तो आजू बाजू लड़कियों को मत देखना, सीधे सीधे चलता रहना, वो सब बता रहे थे। फिर कुछ ब्रीफिंग हुई कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, वो सब हो गया, बहुत ज़्यादा पक गया। एक्चुअली ये पहनने के बाद फैक्ट्री वर्कर जैसा ही फील हो रहा है ना, तो बाहर आ गया। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों अभी जैसे कि आपने देखा थोड़ी बहुत ब्रीफिंग मैंने थोड़ा सा देखा, ज़्यादा नहीं दिखाया, और ग्रुप वाइज लोगों को अंदर भेज रहे हैं। और ये सब इसलिए पहना है, मैं आपको बता देता हूँ, टोपी इसलिए पहना था क्योंकि बाल में डैंड्रफ हो या बाल झड़ते हो तो वो अंदर नहीं अलाउड है, क्योंकि अगर वहाँ पर चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर वो जा रही है, वो हमें ट्रिप करवाएगी, ये कान में दिए ताकि हमें उसकी आवाज़ सबको सुनाई दे, सबको पहना दिया है। तो चलो ठीक है, देखो कॉम चेक 1 2 3। हाँ, दो बिल्डिंग छोड़ के भागा था वो। हाँ, पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं साफ सफाई। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये जो बता रही थी, मैं आपको बता रहा था कि ये क्या है, और ये जो चीज़ है यहाँ पर जो वो क्लीनिंग का काम होता है, ये जो बोर्ड्स दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह रहता है वो साफ होता है, तो बहुत अच्छी बात है। और जो अंदर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो वहाँ पर इसके ऊपर जो वो प्रिंट होता है, देखेंगे यहाँ से वो साफ़ हो गया और वो अंदर चला गया और वो अंदर जाके अभी जो वो प्रिंट होगा, तो कुछ इस तरीके का ये जो पहली मशीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, उन्होंने कहा था, जो यहाँ पर इस तरीके का काम होता है। दोस्तों प्रिंटिंग के बाद यहाँ पर आता है ये, एक्चुअली में उसके साइज़ को डिसाइड करता है कि किस साइज़ का वो होना चाहिए अलग अलग डिवाइसेस के कंपोनेंट्स के हिसाब से। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो होता है इसके अंदर, और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये इंस्पेक्शन का है, तो अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो इस वाले सेक्शन में वो लोग यहाँ पर जांच करते हैं। और दोस्तों इंस्पेक्शन के बाद ये वाला जो सेक्शन है, ये पीसीबी बोर्ड जैसे कि वहाँ पर जो बन रहा था, आपको मैंने बताया था साइज़ में डिवाइड होता है, ये यहाँ पर उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो वो लगवाए जाते हैं, जैसे कि रजिस्टर है, सीपीयू, और हार्डवेयर में जो चीज़ लगवानी है वो यहाँ पर फिर अलग अलग तरीके से वो लोग लगाते हैं, आप देखेंगे इधर से लेके वहाँ तक। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद एक और फाइनल इंस्पेक्शन होता है इस पीसीबी बोर्ड का, आप देखेंगे यहाँ पर ये बंदा जो है ये करता है सब कुछ, यहाँ पर उसके सामने कंप्यूटराइज्ड है, आप देखेंगे यहाँ पर ये कंप्यूटर में वो सब कुछ चेक करेगा, जांच पड़ताल करेगा, फाइनली वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इस वाले पार्ट पर आते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर ये 3-in-1 वाला है, और ये क्या करता है दोस्तों कि जो रिमेनिंग जैसे कि सिम स्लॉट है, एचडी कार्ड स्लॉट है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पर पीसीबी बोर्ड के अंदर लगवाते हैं। तो पहले वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद ये वाली चीज़ें होती हैं जो ये वाली मशीन के अंदर वो आके लग जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर जो वो सोल्डरिंग होगी, और वो सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स होते हैं जो लगाने के बाद इसमें तार से जोड़ा जाता है, आपको पता होगा ना वो लगा के गर्म करते हैं और वो जुड़ जाते हैं। मैं हार्डवेयर में नहीं हूँ, अगर हार्डवेयर में अगर आप हो तो आपको पता होगा, और इसमें एक्चुअली में नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन हार्मफुल होता है उस चीज़ के लिए, तो वो सारा इस बॉक्स के अंदर होता है। ये तो दोस्तों है ये अब यहाँ पर पीसीबी बोर्ड का फाइनल सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या कर रही है कि उसको बारकोड से स्कैन कर रही है, उस पर सीरियल नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन वो सही तरीके से प्रिंट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, और वो यहाँ पर चेक करती है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये पहला पार्ट है जिसमें 20 मिनट लगता है एक पूरे बड़े प्लेट के पीसीबी को प्रिंट करने के लिए, काम करने के लिए, जो भी करने के लिए, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, और आगे पीछे अगर दोनों की बात करूँ तो 40 मिनट लगता है। तो 4 पार्ट्स पीसीबी बोर्ड के 40 मिनट में यहाँ पर जो वो कंप्लीट किए जाते हैं, जो आप देख सकते हैं वहाँ से लेके
यहाँ तक है। देखेंगे सारे के सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए, और उसमें से चार पार्ट्स जो पीसीबी बोर्ड पर थे वो उन्होंने सेपरेट करके अलग कर दिया, और इसको भी अलग अलग जगह पर लेके जाएंगे इसके अंदर काम करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्डवेयर पीसीबी जो बन के आया है यहाँ पर, उसमें जो वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। जी हाँ, पहले उन्होंने कहा था कि 8 लोगों की टीम होती थी यहाँ पर, मैन्युअली किया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों ये पूरा के पूरा मशीन से किया जा रहा है। तो ये सारा काम अंदर होता है, जो पीसीबी बोर्ड बन के निकला है जो फ़ोन में जाता है अलग अलग पार्ट्स में, यहाँ पर सॉफ्टवेयर को जो वो इंस्टॉल किया जाता है, आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो जैसे कि दोस्तों वाईफाई, ब्लूटूथ जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं शुरुआत हो गई है, और ये अलग 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 तरीके की चीज़ों यहाँ पर वो लोग उसमें हार्डवेयर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है फाइनल पार्ट है, जो सब कुछ लगाने के बाद पीसीबी बोर्ड कैसा शुरुआत हुआ, प्रिंट हुआ, उसमें शोल्डरिंग हुई, क्या हुआ, सॉफ्टवेयर लगाया, कंपोनेंट्स को अलग किए वगैरह वगैरह, फाइनली जब कुछ सब सेट हो जाता है तो पूरा जो पीसीबी बोर्ड कंप्लीट हो जाता है जो फ़ोन में जाने के लिए रेडी होता है, और ये यहाँ पर टेस्ट होता है, और ये वाला फाइनल पार्ट है। तो जैसे कि वहाँ से लेके सॉफ्टवेयर का काम हुआ, सब कुछ हुआ, और अब यहाँ पर आपका पीसीबी बोर्ड तैयार हो गया। देखो ये घंटी बज रही है, मतलब सक्सेसफुल हो गया है, ये क्या बात है यार, मतलब सॉफ्टवेयर लग गया, सब कुछ लग गया, पीसीबी रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब फोन में जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्या बात है, शक्ल देखते ही दरवाज़ा खुल गया यार। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये शक्ल दिखा रही है, देखा मेरे शक्ल से दरवाज़ा नहीं खुला है, खुल। और तो दोस्तों ये जो फैक्ट्री 3 है, हालांकि इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो एक्चुअली वो सिर्फ पीसीबी का सेक्शन था, पीसीबी को असेंबल करना, अलग करना वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर अब जो एक्चुअल पार्ट जो होते हैं उनका असेंबल जो होता है वो इस वाले फैक्ट्री 3 में होगा। तो वो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलो जाते हैं, पहला पड़ाव तो हो चुका है, अब वो जैकेट और टोपी पहनाएंगे फिर से। तो दोस्तों फैक्ट्री में एंट्री कर लिया, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये असेंबल्ड होता है यहाँ पर सब कुछ। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर फोन्स असेंबल्ड हो रहे हैं, शुरुआत हो रहा है, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग रखे हैं, और यहाँ पर देखेंगे, और ये रियलमी का आप देखेंगे बैक केस है, उसके ऊपर देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर शुरुआत हो रही है असेंबली की। आप देखेंगे चार्जिंग वाला पार्ट है, जो नीचे का जो पोर्ट होता है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पर है, और ये देखेंगे कैमरा, यहाँ पर सारे कैमरे सेंसर्स देखेंगे इस तरीके से लगे हुए। पावर बटन के लिए आप देखेंगे सब कनेक्टर्स लगाए जा रहे हैं साइड के अंदर, आप देखेंगे ये तो ये बाहर का हिस्सा जो आप देख सकते हैं, वहाँ पर बैक पैनल था, कैमरा सेंसर जो पीछे की तरफ है, और ये पावर बटन है जो यहाँ से फिर यहाँ जाता है। ये वाले सेक्शन में दोस्तों जो वहाँ सब बन बन के जो आ रहे हैं आपको, आपको जो मैं अभी दिखा रहा था जो बाहर के जो पार्ट्स थे वो सब कुछ असेंबल्ड होने के बाद, ये देखेंगे यहाँ पर आप इधर देखेंगे तो ये कुछ सिम स्लॉट, एसडी कार्ड स्लॉट, और ऊपर की तरफ जो ऊपर का जो पार्ट होता है फ़ोन का, ये देखेंगे यहाँ पर प्रोसेसर का, इसका उसका, वो उसमें लगाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये पीसीबी बोर्ड जो यहाँ से निकला यहाँ पर आया, और अब इसमें जो बचे कुछ पार्ट्स हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो मैन्युअली पूरा काम हो रहा है, शुरू वहाँ से हुआ था, आप देखेंगे बहुत वहाँ से, तो मैन्युअली हर एक चीज़ यहाँ पर लगाई जाती है, और सबका अलग अलग काम है। ये कैमरा लगा दिया दोस्तों जो आपको आगे दिखा रहा था ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो लगा के यहाँ रख दिया। तो वहाँ से जितना भी आप देखेंगे लंबा मैंने आपको दिखाया, वो जो बन बन के आ रहा है वो असेंबल्ड हो जाता है जब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स लग जाते हैं। अब ये थोड़ा बहुत फाइनल टच देके यहाँ पर उसको इसमें डालते हैं, और यहाँ से फिर उसको आगे भेजते हैं, और यहाँ पर स्क्रीन में जब पास हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखेंगे दोस्तों ये लग रहा है क्या, ये फ़ोन के अंदर बैटरी वहाँ पर लगा के फिर वो लोग उसको फिट कर देंगे। ऑब्वियसली नॉन रिमूवेबल बैटरी है ना, तो ऐसा होता है। और ये वाला सेक्शन जो आप उसके जो पोर्ट्स को कवरिंग करते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे अब यहाँ पर दोस्तों ये हो गया फाइनल पार्ट, सारे जो प्रोटेक्टिव जो केस लगा के रखा था जिसमें जो काम होता है उसको अब यहाँ से निकाल रहे हैं, आप देखेंगे अब उसको निकाल के इसमें डाल देंगे ऐसे, और वो पार्ट एक्चुअल जो फ़ोन का पार्ट है वो वहाँ पर चला जाएगा, और वो देखेंगे वहाँ पर चला जाएगा। हम उस पर देखेंगे बैक पैनल लगने वाला है थोड़ी देर में। ये सेक्शन में दोस्तों सारा स्क्रूज लगा जा रहा है, सबको प्रॉपर तरीके से फिट किया जा रहा है, देखेंगे निकल कर आ गया। ये आ गया फ़ोन का बैक पैनल, ये लो इसको लेके यहाँ पर छोड़ दिए, और अब दोस्तों जो Realme के फ़ोन में जो बैक पैनल, ये देखेंगे यहाँ पर उन्होंने फिट कर दिया, ये लग गया। अब उसको उन्होंने वहाँ पर आगे ढकेल दिया,
अब वो वहाँ पर जाके प्रॉपरली इसको सही तरीके से वो लोग सेट करेंगे। उसके अंदर घुसा दिए फ़ोन को, वो चिपका देगा एकदम मस्त तरीके से। ये देखो यहाँ से लिया और ये देखो ये ताला यहाँ पर, ये देखो ये देख रहे हो, टेस्ट कर रहा है वो लगा के ताकि वो बाहर आता है कि नहीं आता है। वो सारी चीज़ें हो जाती है जब उन्होंने यहाँ पर उसको डाल दिया है। उसको पूरा चेक कर रही है सब कुछ सेट हुआ नहीं हुआ, साफ़ कर रही है, जो गंदगी है उसको सफाई कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर, और ये जाएगा फिर आगे यहाँ पर, आप देखेंगे पूरा फ़ोन चालू होगा। ये बूट करके चेक कर रही है सब कुछ चल रहा नहीं कर रहा, सेटअप कर रही है पूरा फ़ोन, और ये यहाँ पर डाल के रख दी उन्होंने। और ये भी कुछ और अलग तरीके का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, आप देखेंगे दोस्तों। ये देखो वहाँ पर जब डब्बे में चला जाता है, अब यहाँ पर पूरा टेस्टिंग होगा इसका, उसके सॉफ्टवेयर हर चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका स्पेशली यही काम है जो यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इधर फ़ोन को बूट करके यहाँ से उन्होंने उठाया, यहाँ पर रख दिया, वहाँ पर वो उसको ऑन करके सेटअप करके टेस्ट कर। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग ने देख लिया Realme के फ़ोन को, मैंने आपको बता दिया कि कैसे असेंबल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप था पूरा, मज़ा आ गया एकदम, दिल खुश हो गया और मैकेनिकल टेस्ट वाले डिपार्टमेंट में आ गए। ये क्वालिटी चेक होता है अक्सर, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, वो मेरे ख्याल से वहाँ से होता होगा। ये देखेंगे इस तरीके से क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। ये तो क्या बड़ी बुरी तरीके से फ़ोन को फेंका उसने। फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको ड्रॉप टेस्ट दूर से सही पोजिशन में, फ्रंट और बैक दोनों टेस्ट करते हैं। देखो वो घूम घूम के अंदर चेक होता है कि फ़ोन कैसा है, दिख रहा आवाज़ आ रहा है कटकुट कटकुट। ये Realme का फ़ोन है, आप देख सकते हैं Realme 3 Pro लग रहा है मुझे, और ये चलता रहता है कंटिन्यूसली कि देखते हैं कि भाई कितना ड्यूरेबल है कि नहीं है। मतलब 48,000 बार इसको यहाँ पर किया जाता है ये, तो ये देखेंगे नॉर्मली टेस्ट कर रहे हैं, और ये हज़ारों बार किया जाता है दोस्तों। तो ये मोड़ तोड़ने वाला टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके बहुत मशीन से डेंजरस तरीके से मोड़ा जा रहा है। इससे पता चलता है कि फ़ोन में कितना, फ़ोन कितना ड्यूरेबल है, कहीं इसमें आग ना लग रही है, बैटरी एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, बैटरी डैमेज नहीं हो रही है, तो वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये वाला दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर फ़ोन में जो USB पोर्ट लगता है, 3.5 mm ऑडियो जैक लगता है, ये उसको टेस्ट करते लगाने के बाद जो मुड़ जाता है ना, तो यहाँ पर इसको टेस्ट करके उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, 3 kg के आसपास पर प्रेशर लगाया गया है। लगाने के बाद ये देखेंगे इस तरीके से पता चलता है कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3.5 जैक हो या चार्जिंग पोर्ट हो। और दोस्तों ये जो टेस्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पावर बटन को टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखेंगे पावर बटन को प्रेस कर रहा है और चेक कर रहा है कि कितना बैटर चल रहा है ये। और 1,00,000 बार, जी हाँ 1,00,000 बार इसको किया जाता है। और देखेंगे Realme का फ़ोन यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ से इस एंगल से देखेंगे तो ऊपर से वो पावर बटन को प्रेस करता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ये 1,00,000 बार किया जाता है। अच्छी बात है, ये भी एक बहुत ही सही तरीके का टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं वो। ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये USB को लगाते और निकालते, इंसर्ट करते निकालते, और ये कुछ 10,000 बार किया जाता है, और ये कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट में यहाँ पर हो रहा है। अब ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पर उसको टेस्ट कर रहे हैं कि फ़ोन का जो बैक है उसमें कलर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो ये कितने हज़ारों बार उसको किया जाता है, इसको लगाकर फ़ोन पे पीछे घिसा जा रहा है, आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि फ़ोन का जो बैक है वो कितना अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, बुरी क्वालिटी का है। और ये देखो भाई डायमंड कट बैक अपना Realme का, इसको भी अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं भाई कि ये लोग, ये वाला इधर हो रहा है। जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये एक्सेसरी का डिपार्टमेंट है, जो चार्जिंग केबल होता है ईयरफोन्स वगैरह को, वो लोग टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर देखेंगे उसको एकदम खींच के रखा है, बहुत प्रेशर डाला है, और ये देखेंगे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं उसको, टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, जो कॉर्नर होता है ना चार्जिंग केबल का, उसको यहाँ पर वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। देखेंगे ईयरफोन्स भी है, जी हाँ, आपके जो ईयरफोन्स बॉक्स में आते हैं उसको भी टेस्ट किया जाता है, ऐसे नहीं कि वो लोग बना के दे देते, उसको भी टेस्ट किया जाता है। तो ये देखेंगे ईयरफोन्स का डिपार्टमेंट है। अब ये रूम से दोस्तों हम निकलने वाले हैं, और अब हम सीधा इस रूम के अंदर जाने वाले हैं। अच्छा, ये एनवायरमेंटल रूम है, इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से फ़ोन को टेस्ट किया जाता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, कितना ठंड है कितना गर्मी है, फ़ोन सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो क्लाइमेटिक जो टेस्ट होता है फ़ोन का, क्लाइमेटिक कंडीशन का, वो इस रूम में होता है। इसके अंदर फ़ोन्स होंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग, कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा है, और वो यहाँ पर होता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। एक्चुअली में फैक्ट्री में रियलिटी पता चलती है, जो फ़ोन होते हैं हमारे पास आते हैं वो बहुत अच्छे से टेस्ट किए जाते हैं, तो एक सबूत यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रिज खुल गया है या ये अलग, इसमें देखो ऐसा होता है दोस्तों। तो आपके कहने पर दोस्तों तमिल के हेल्प से फ्रिज खुल गया है। फ्रिज है पता नहीं, इसमें ये गर्म वाला है, वो ठंडा वाला, अरे ये ठंडा वाला है जो भी है। अच्छा खुल गया, बस गर्म चाहिए तो गर्म, देखो अंदर ऐसा होता है दोस्तों। चलो दोस्तों हो गया, अभी आ गए मीटिंग रूम में, अभी ये उतार देते सब पे।